ओके हेलो एवरीवन, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर बी एस चीमा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड एंड कैल्केरियस सॉइल्स। एसिड सॉइल्स कौन सी होती हैं और कैल्केरियस सॉइल्स कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड सॉइल्स। एसिड सॉल्ट्स कौन सी होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन, कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या रीजन होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड सॉइल के, प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ती हैं अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें क्रॉप जो उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, एसिड सॉइल को कैसे उसको मैनेज करके दोबारा जो उसमें क्रॉप है हम कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे उस सॉइल को कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कैल्केरियस सॉइल, कैल्केरियस सॉइल कौन सी होती हैं, ओके इनसे क्या प्रॉब्लम्स रेज होती हैं और इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, की एसिड सॉइल का इंट्रोडक्शन की एसिड सॉइल कौन सी होती हैं। सॉइल एसिडिटी इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम विच इवेल्युएट द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। जैसा कि हमने लास्ट के टॉपिक्स में भी पढ़ा, सेलाइन सॉइल, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल का एक पार्ट है, एक टाइप है एसिडिक सॉइल, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्रोडक्शन को। अगर सॉइल एसिडिक है तो प्रोडक्शन है हमारी वो कम होगी। नेक्स्ट, मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड लाई आइडल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिटी। जो काफ़ी हमारी सॉयल है जो वो वैकेंट ही पड़ी है, बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, बिना सॉयल कल्टीवेशन के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिटी के कारण। इन इंडिया 49 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है प्रॉब्लम्स। हमारे इंडिया में 49 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी है जो कि सॉयल एसिडिक लैंड है। सॉइल एसिडिटी इज मोर कॉमन इन रीजन विद हाई रेनफॉल। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा बरसात जहाँ पे होती है, वहाँ पे सॉइल का एसिडिक होना कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि उसके साथ, बारिश के साथ, जो बाकी के हमारे मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे, वो बारिश के साथ लीच डाउन हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स रिमूव होते हैं सॉइल से, तो सॉइल जो है उसकी एसिडिटी हो जाती है, सॉइल को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे ही वो वहां से लीच डाउन होते हैं, जैसे ही उनका लॉस होता है। ओके, सो जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है ना, वहां पे सॉइल का एसिडिक होना दिस इज नॉर्मल। This leads to leaching of appreciable amounts of calcium, जैसे बताया calcium and magnesium from the surface layer, leading to buildup of hydrogen and aluminium species. जब loss हो जाता है calcium और magnesium का, तो जो concentration है hydrogen और aluminium की वो बढ़ जाती है। जब hydrogen और aluminium किसी soil में ज्यादा होंगे तो सॉइल जो है उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और एल्युमिनियम ये ऐसे एटम्स हैं जो कि एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज एसिड सॉइल। अब एसिड सॉइल्स क्या होती है, डेफिनेशन क्या है एसिड सॉइल की। एसिड सॉइल इज अ बेस अनसेचुरेटेड सॉइल with enough amount of absorbed exchangeable hydrogen and aluminium ions. जो acid soil है ना, ये base unsaturated soil है,
बेस अनसेचुरेटेड मतलब कि इसमें बेस की जो बेसिक मटेरियल है उसकी कमी होती है। अगर बेस मटेरियल की बेसिक मटेरियल की कमी है तो क्या होगी, सोयल एसिडिक होगी। अगर बेस मटेरियल ज्यादा होगा तो सोयल बेसिक होगी। अगर दोनों एसिडिक और बेसिक मटेरियल दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो सोयल जो है वो न्यूट्रल होगी। ओके, तो एसिड सोयल ऐसी सोयल होती है जो कि बेस अनसेचुरेटेड होती है, मींस जिसमें बेस की अमाउंट कम होती है। ओके, अगर पीएच की बात करें तो इस सोयल का पीएच जो है 6 से कम होता है। नॉर्मल जो पीएच मीटर होता है ना उसकी रीडिंग होती है 1 से लेके 14 तक। ओके, 16 तक। लेकिन जो 6 से नीचे है वो एसिडिक सोयल होती है, जो 8 से ऊपर है वो बेसिक सोयल होती है। ओके, तो इस तरीके से अगर पीएच लेवल जो सोयल का वो 6 से डाउन है तो उस सोयल को हम एसिडिक सोयल बोलेंगे। एंड एसिड सोयल इज एक्चुअली अ मिक्स्ड हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिस्टम। एसिडिक सोयल जो होती है उसमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की अमाउंट ज्यादा होती है, इनकी मिक्सिंग ज्यादा होती है। सो दैट सच अ सोयल हैज बोथ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन आयंस एज एक्सचेंजेबल आयंस। जो एक्सचेंजेबल आयंस होते हैं ना इसमें वो कैटायंस होते हैं। कैटायंस के कारण ये हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के कारण सोयल जो है वो एसिडिक होती है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एसिडिक सोयल, क्या क्या रीजन क्या है एसिडिक होने के सोयल के। फर्स्ट, लीचिंग ऑफ बेस लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम ड्यू टू हैवी रेनफॉल। जैसा पहले बताया कि ज्यादा रेनफॉल होने के कारण इनकी लीचिंग हो जाती है, कैल्शियम जैसे मैग्नीशियम है और सोडियम है। ओके, लीचिंग मतलब इनका लॉस हो जाता है। जब ये रिमूव हो जाते हैं सोयल से तो ये बेसिक मटेरियल है, ये बेस है, तो जैसे ही बेस का रिमूवल होगा तो सोयल जो होगी वो एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस नहीं ना रहा, इम्बैलेंस होगी सोयल। नेक्स्ट इज एसिडिक पेरेंट मटेरियल लाइक ग्रेनाइट। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, पेरेंट मटेरियल जिससे सोयल मिलकर बनी होती है, जिसे सोयल मिलकर बनी है उसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। अगर सोयल ऐसी ऐसे पेरेंट मटेरियल से मिलकर बनी है जो कि ऑलरेडी एसिडिक नेचर का है जैसे कि ग्रेनाइट, तो सोयल भी डेफिनेटली एसिडिक ही होगी, तो पेरेंट मटेरियल भी इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो द सोयल फाउंड फ्रॉम विच टाइप ऑफ पेरेंट मटेरियल, इट इज ऑल्सो द वन रीजन ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट, यूज ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज हम ज्यादा करते हैं जो कि एसिडिक के नेचर होते हैं, जैसे कि यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट। तो जैसे जैसे इन फर्टिलाइजर्स का यूज हम बढ़ा रहे हैं अपने फील्ड में, वैसे वैसे जो सॉइल की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जबकि जो सॉइल की एसिडिटी है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, सॉइल इतनी ज्यादा एसिडिक हो जाती है कि उसमें हम कोई भी जो क्रॉप है वो नहीं कल्टीवेट कर सकते। ओके, सो ज्यादा फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने के साथ भी सॉइल एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर जो रेजिड्यू मिक्स होता है सॉइल में, ये क्या करता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म करता है, रिलीज करता है ऑर्गेनिक एसिड्स। चाहे वो ऑर्गेनिक ही है लेकिन एसिड तो एसिड ही है, मींस उसकी पीएच, उसका पीएच लेवल तो 6 से कम होगा। तो जैसे भी जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होते हैं वैसे वैसे सॉइल की एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है। ओके, सो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो वन रीजन ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल इंक्रीजिंग सॉइल एसिडिटी। फिफ्थ,
कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लीड्स टू मोर अब्सॉर्प्शन ऑफ बेसिक कैटायंस फ्रॉम द सॉयल. कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिनको हम बार बार कल्टीवेट करते हैं फील्ड में, और उनकी नेचर जो होती है वो ऐसी होती है कि जो वो बेसिक मटेरियल है उसको ज्यादा अब्सॉर्ब करती है. तो ऐसी क्रॉप जब हम बार बार उगाएंगे अपने फील्ड में, तो ये सॉयल को धीरे धीरे, सॉयल की एसिडिटी है वो बढ़ाती रहती है, इंक्रीज करती रहती है, क्योंकि वो बेसिक मटेरियल तो अब्सॉर्ब कर रही है, बच गया एसिडिक मटेरियल. तो जितना ज्यादा एसिडिक मटेरियल सॉयल में बच जाएगा, उतनी जो सॉयल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. सिक्स जो है, एसिड रेन्स कंटेनिंग सल्फेट एंड नाइट्रेट आयंस. रेन्स जो होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेनफॉल होती है उसमें भी जो ये केमिकल्स हैं वो ऐड होते हैं, क्योंकि हम स्प्रे करते हैं तो कुछ केमिकल्स एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो वो सॉयल के साथ वो रेनफॉल के साथ मिलकर वापस सॉयल में आ जाते हैं. ठीक है, उनमें से अगर ये सल्फेट और नाइट्रेट आयंस ज्यादा हैं तो ये भी एक रीजन है सॉयल की एसिडिटी इंक्रीज होने की, कि अगर जो रेनफॉल हो रही है उसमें सल्फेट और नाइट्रेट आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉयल जो है उसकी एसिडिटी इंक्रीज करने में ये दिस इज अ वेरी बिग रीजन. सेवंथ, एल्यूमिनियम एंड आयरन पॉलीमर्स. जो एल्यूमिनियम और आयरन पॉलीमर्स होते हैं वो भी सॉइल एसिडिटी इंक्रीज करते हैं. वन एल्यूमिनियम स्पीसीज रिलीज 3 हाइड्रोजन आयंस. जो एक एल्यूमिनियम स्पीसीज होती है ना, वो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है. अपॉन स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस एंड सिमिलर रिएक्शन आर पॉसिबल विद आयरन ऑल्सो. जो ये एक एल्यूमिनियम है वो 3 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है. ओके, तो 3 हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है वो सॉइल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. ऐसा ही जो आयरन के साथ भी होता है, ठीक है, ये भी एसिडिटी को इंक्रीज करती है. तो दिस इज एल्यूमिनियम और आयरन के जो पॉलीमर्स हैं, ये भी एक रीजन है सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होने का. एट्थ जो है वो है अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. जो डीकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर की ये ऑर्गेनिक एसिड्स सप्लाई करते हैं सॉइल को, लेकिन डीकम्पोजिशन से पहले भी ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक नेचर ही होता है. क्यों? क्योंकि अगर वो एसिडिक इन नेचर है तो तभी तो डीकम्पोजिशन के बाद सॉइल में एसिड ऐड कर रहे हैं. तो डीकम्पोजिशन से बाद से पहले और डीकम्पोजिशन के बाद ये एसिडिक इन नेचर होता है. तो प्रेजेंट तो सॉइल में ही है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो. तो जैसा भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एसिडिटी. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट इज सॉइल एसिडिटी कॉज सम प्रॉब्लम इन सॉइल लाइक फिजिकल प्रॉब्लम होती है, केमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और बायोलॉजिकल. इनो टाइप की प्रॉब्लम जो है एसिडिक सॉइल से हमें फेस करनी पड़ती है. फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक एक्सट्रीम एसिड सॉइल, जो ज्यादा एसिडिक सॉइल होती है उसमें जो एग्रीगेट हैं उनके क्लॉड्स जो हैं वो ज्यादा बन जाते हैं, जिससे कि उसको टिले प्रैक्टिस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें. वेरी कम्पैक्ट हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं, ताकि उनको अलग अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. मीन्स
that type of soil will not be able to cultivate, will not be able to raise, grow the crops. Okay, this is the physical problem. Next, chemical problems kaun kaun si hoti hain? Acid toxicity, acid ki toxicity ho jati hai, means acid ki concentration jo hai soil mein bahut zyada badh jati hai. Toxicity of different nutrients, kaun kaun se nutrients ki amount badh jati hai, iron ki, aluminium ki, manganese ki. Nutrient availability is reduced, especially acidic soil mein ye nutrients jaise ki nitrogen hai, phosphorus hai, potassium hai, calcium, magnesium aur sodium, inki availability kam ho jati hai, bilkul hi kam ho jati hai. Okay, acidic soil mein nutrient imbalance due to fixation of phosphorus PO4 by iron, aluminium and manganese. Nutrients ka imbalance ho jata hai, kuch nutrients ki concentration badh jati hai, kuch jo nutrients hai unki concentration bilkul hi low ho jati hai. Boron and molybdenum availability decreased. जो बोरोन और मोलिब्डेनम है उनकी भी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. ओके, सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो केमिकल प्रॉब्लम्स है, मींस ये सारे न्यूट्रिएंट्स केमिकल की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ना, तो ये सारी केमिकल्स प्रॉब्लम जो है एसिडिक सोइल में फेस करनी पड़ती. नेक्स्ट जो है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होंगी? Bacteria and actinomycetes will not show their activity when the soil pH drops below 5.5. जो bacteria और actinomycetes होते हैं ना, ये microorganisms होते हैं. इनकी activity क्या होती है? इनकी activity होती है कि organic matter को decompose करके soil की जो fertility है उसको increase करना. लेकिन जब सोयल का पीएच 5.5 से नीचे आ जाता है तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, बिल्कुल ही ये एक्टिव नहीं रहते, तो ऑर्गेनिक मैटर भी डीकम्पोज नहीं होता. ओके, तो प्लांट्स जो क्रॉप कोई भी रेज की जाती है उस सोयल पे उसको इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड होंगे. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी में किसी भी प्लांट को. ओके, तो 5.5 से अगर पीएच नीचे चला जाता है तो इनकी एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एसिड सोइल्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय लोवरिंग द एक्टिविटी ऑफ अजोटोबैक्टर. अजोटोबैक्टर और राइजोबियम स्पीसीज, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज करते हैं. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाना जाता है कि ये नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से फिक्स करते हैं सोइल में. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है ना उसकी जड़ों में, उसकी रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, रूट नड्यूल फॉर्म करते हैं. वहां पे रूट नड्यूल फॉर्मेशन के बाद वहां पे फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को. ओके, लेकिन जब 5.5 से पीएच नीचे चला जाता है, जब सोइल एसिडिक हो जाती है, तो इनकी भी ग्रोथ जो है, इनकी एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है. इनकी एक्टिविटी अगर इफेक्ट होगी तो इसका मतलब कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नहीं फिक्स होगी. अगर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रही तो इसका मतलब नाइट्रोजन की अमाउंट जो है सोइल में कम हो जाती है, जैसा कि हमने लास्ट की स्लाइड में पढ़ा. नेक्स्ट, फंजाई कैन ग्रो वेल अंडर एसिड सोइल्स एंड कॉज वेरियस डिजीजेस लाइक फुट रॉट ऑफ ब्लैक पेपर एंड ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो. जो फंजाई होती है ना वो एसिड सोइल में अच्छे से ग्रो करती है, लेकिन फंजाई का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये डिजीज कॉजिंग होती है. कई क्रॉप्स में ये डिजीज कॉज करती है,
जो फुट रॉट होती है ना, फुट रॉट एक बहुत फेमस डिजीज है, सभी को पता होगा। ओके, तो फुट रॉट किसके कारण होती है? द मेजर रीजन ऑफ फुट रॉट डिजीज इज फंजाई। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, फंजाई की, फुट रॉट डिजीज का अटैक भी ज्यादा होगा। जो पोटैटो में ब्लाइट्स होते हैं, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ओके, वो भी फंजाई के कारण होते हैं। तो इसलिए फंजाई की जो ग्रोथ है सोयल में, वो इफेक्ट करती है सेवरल डिजीजेस को, अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट को। ओके, सो दीज आर द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच वी आर फेस्ड इन एसिडिक सोयल्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सोयल। एसिडिक सोयल की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम उसको सोयल को ट्रीट करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे? इन जनरल द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ एसिडिक सोयल्स इज वेरी पुअर एंड अंडर स्ट्रॉन्गली टू मॉडरेटली एसिडिक सोयल द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि एसिडिक सोयल में जो फर्टिलिटी कम होती है, इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली कम होगी। ओके, क्योंकि इससे प्लांट ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है, तो जो फाइनल जो हमारी यील्ड है वो कम होगी एसिडिक सोयल में। द क्रॉप्स ग्रोन ऑन सच प्रॉब्लमेटिक सोयल्स डू नॉट गिव रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स। जितना हमारी कॉस्ट होती है उतना रिटर्न हमें मिल ही नहीं पाता। अगर हम ऐसी सोयल पे कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो जितनी हमारी कॉस्ट होगी उतना रिटर्न हमें नहीं मिलेगा, तो क्रॉप कल्टीवेट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकली फिजिबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इज यूज ऑफ लाइम एंड लाइम मटेरियल टू द सोयल एसिडिटी, टू ट्रीट द सोयल एसिडिटी। जो इसकी मैनेजमेंट है, अगर सोयल एसिडिक है तो एक केमिकल अवेलेबल है मार्केट में, वो है लाइम या एंड लाइम मटेरियल्स, लाइम से बने कुछ मटेरियल्स। अगर हम, ये क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक मींस इसका पीएच 8 से ऊपर होता है। अगर हम इसको मिक्स करेंगे सोयल में तो एसिडिक सोयल जो है उसका पीएच नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बेस की कमी होती है एसिडिक सोयल में। अगर हम बेसिक मटेरियल ऐड कर देंगे तो सोयल जो है अपने आप न्यूट्रल हो जाएगी। ओके, सो लाइम इज वेरी गुड सोर्स ऑफ ट्रीटिंग द एसिडिक सोयल। सो एसिडिक सोयल को ट्रीट करने के लिए लाइम एंड लाइम मटेरियल्स का यूज किया जाता है। द एडिशन ऑफ लाइम रेजेस द सोयल पीएच। ये सोयल पीएच को इंक्रीज करता है ज्यादा, देयर बाय एलिमिनेटिंग मोस्ट मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एसिड सोयल्स। अगर पीएच उसका इंक्रीज हो गया तो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स वैराइटीज इज आल्सो पॉसिबल ऑप्शन। अगर कुछ वैराइटीज, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं, मींस वो एसिड सोयल में ग्रो कर सकती हैं। ऐसी सोयल होती हैं जिनको, जो एसिड सोयल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ना, वो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए नहीं होते, दे डू नॉट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली ग्रो इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्रॉप, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सोयल। सो जो एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं, वैराइटीज होती हैं, उनको भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं सोयल में, एसिड सोयल में। दिस इज द मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एक तो हम लाइम ऐड कर सकते हैं, दूसरा एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज लाइम रिक्वायरमेंट
It is defined as the amount of liming material that must be added to raise the pH of some desired value 6 to 7. लाइम मटेरियल को डिफाइन किया जा सकता है कि जो लाइमिंग मटेरियल चाहिए जिससे कि सॉइल का पीएच 6 से 7 हो जाए, उस रिक्वायरमेंट को लाइम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मार्केट में कई तरह के लाइमिंग मटेरियल अवेलेबल हैं, ओके, कौन कौन से हैं, जैसे लाइम ऑक्साइड, ओके, लाइम हाइड्रोक्साइड, लाइम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम और ऑक्साइड लाइम भी बोलते हैं। ये कॉस्टिक इन नेचर होता है और इसकी हैंडलिंग जो है वो भी डिफिकल्ट है, मतलब इसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सम हाइड्रोक्साइड्स जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रेटेड लाइम और स्लेक लाइम भी बोलते हैं इसको, इसकी भी हैंडलिंग जो है वो ईजी नहीं है। थर्ड लाइम कार्बोनेट CaCO3, ग्राउंड लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसको, ओके। फोर्थ जो है बेसिक स्लैग, ओके, बाय प्रोडक्ट ऑफ, ये आयरन इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट होते हैं बेसिक स्लैग। फिफ्थ जो है डोलोमाइट इज वेरी कॉमन वर्ड, यू अभी आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि डोलोमाइट क्या है, MgCO3। इसके मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो अभी पढ़ा, कौन कौन से लाइमिंग मटेरियल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी हमने देखे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लाइमिंग ऑन एसिडिक सॉइल, ये काम कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। Direct benefits are like addition of lime raises the soil pH to a desired level. This is the main, इसीलिए तो हम इसको apply करते हैं कि ये pH जो है soil का वो increase करता है। Second जो direct benefit है इसका, it eliminates major problem of iron, aluminium and hydrogen toxicities. इनकी toxicity मतलब इनकी concentration ज़्यादा थी, लेकिन हमने जैसे ही लाइम को ऐड किया सॉइल में, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिक मटेरियल की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो एसिडिक मटेरियल की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ओके। तो ये थे डायरेक्ट बेनिफिट्स। एडिशन ऑफ लाइम के कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हो, ये बेनिफिट्स जैसे द न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एडेड टू द सॉइल इफ लाइम इज डोलोमाइट। अगर डोलोमाइट को अप्लाई कर रहे हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से, तो अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी सॉइल में ऐड होगी, जिनकी पहले कमी थी ना सॉइल में वो भी ऐड होगी। सेकेंड, द रेज पीएच आल्सो रिड्यूसेस एक्सेस सोल्युबल मैग्नीज एंड आयरन बाय फॉर्मिंग इनसोल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। जो पीएच है, पीएच लेवल अब इंक्रीज हो गया है, ये कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे मैग्नीज और आयरन, इनका कंसंट्रेशन भी कम करेगा सॉइल में, क्योंकि कम पीएच के कारण ही इनका कंसंट्रेशन बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे लाइम को तो पीएच इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नीज और आयरन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, ओके। नाउ डायरेक्ट बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के बाद देयर आर सम अदर बेनिफिट्स ऑफ लाइमिंग इन एसिडिक सॉइल। कुछ अदर बेनिफिट्स हैं लाइम ऐड करने के, जो थर्ड है वो फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड। जो फास्फोरस होती है उसकी भी कमी होगी थी, NPK तीनों की कमी थी, फास्फोरस अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जो लाइमिंग मटेरियल है
वो आयरन और एल्यूमिनियम को फिक्स कर देता है, मतलब उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फोर्थ जो है, इट मेक्स पोटेशियम मोर एफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, मींस इनडायरेक्टली जो पोटेशियम है उसकी डेफिशिएंसी भी क्योर हो जाती है। इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन बाय क्रिएटिंग अ मोर फेवरेबल कंडीशन, नाइट्रोजन की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्सेशन उसकी फिक्स होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पीएच नॉर्मल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है उसकी कमी जो थी पहले, डेफिशिएंसी थी, वो भी पूरी होने लग जाती है। बैक्टीरियल एक्टिविटीज इनहांस्ड एंड हेल्प इन कंट्रोल ऑफ सर्टेन प्लांट पैथोजेंस, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है ये न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं और जो पैथोजेंस होते हैं ना प्लांट में, सोयल में, उनको भी ये किल करते हैं। तो जैसे ही ये एक्टिव होंगे तो सारा का सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग लाइम इन एसिडिक सोयल। लाइम को ऐड करने का ये सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्केरियस सोयल। ओके, कैल्केरियस सोयल कौन सी होती है? कैल्केरियस सोयल आर दोज दैट कंटेन इन अ फ्री कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव विजिबल रिलीजिंग CO2 गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट 0.1 नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कैल्शियम कैल्केरियस सोयल होती है, अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है किसी सोयल में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्केरियस सोयल। अगर CaCO3 किसी सोयल में ज्यादा है तो वो सोयल क्या कहलाएगी? कैल्केरियस सोयल। ओके, इसको हम कैसे लेबोरेटरी में कैसे चेक कर सकते हैं? इसको ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट 0.1 नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, और अगर उसमें से CO2 रिलीज होती है तो इसका मतलब CaCO3 ज्यादा है, मींस कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस है सोयल में। इसका पीएच कितना होता है? द पीएच ऑफ कैल्केरियस सोयल इज लेस देन 7 एंड आल्सो रिगार्डेड एज एन अल्केलाइन बेसिक सोयल। इसको बेसिक सोयल भी बोलते हैं। ओके, अल्केलाइन सोयल। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? द सॉइल इज फॉर्म लार्जली बाय द वेदरिंग ऑफ कैल्केरियस रॉक्स एंड फॉसिल शेड्स बेड्स लाइक वैराइटीज ऑफ चाक मार्ल एंड लाइमस्टोन एंड फ्रीक्वेंटली अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि अगर सॉइल का पेरेंट मटीरियल कैल्केरियस इन नेचर है तो जो सॉइल की फॉर्मेशन होगी वो कैल्केरियस होगी, जो सॉइल का का टाइप होगा वो कैल्केरियस सॉइल होगी। सॉइल्स आर ऑफन वेरी फर्टाइल थिन एंड ड्राई। ये इस टाइप की सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होगी, थिन पतली होगी और ड्राई मींस वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। They are found in large part of arid and semi-arid regions, which may prove very fertile when sufficient moisture for crops is available. अगर इनमें sufficient moisture हो तो ये सारी इस particular type की crop soil जो है वो crops के लिए बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा beneficial है, क्योंकि इसकी fertility जो है वो ज़्यादा होती है ऐसी soil। Soils can become calcareous through long-term irrigation with water contains small amount of dissolved CaCO3. अगर हम बार बार irrigation apply करते हैं water की और उस water में हर बार उस water में calcium carbonate की थोड़ी थोड़ी amount होती है, present होती है, तो कुछ time बाद, ज़्यादा time भी हो सकता है depending upon the quantity of calcium carbonate,
कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी है कैल्शियम कार्बोनेट की वाटर में। तो जैसे जैसे हम इरिगेशन अप्लाई करेंगे वो सॉयल में ऐड होता रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ टाइम बाद जो सॉयल है वो कैल्केरियस हो जाएगी। तो ये भी एक वे है किसी सॉयल का कैल्केरियस होने का, फॉर्मेशन ऑफ द कैल्केरियस सॉयल। ओके, नाउ मैनेजमेंट ऑफ कैल्केरियस सॉयल की, इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कैल्केरियस सॉयल की। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इन कैल्केरियस सॉयल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन कैल्केरियस सॉयल। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो होती है इसमें डिफरेंट होती है, हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करनी होगी जिससे कि हम इनको मैनेज कर सके। कैसे? द प्रेजेंस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द केमिस्ट्री एंड अवेलेबिलिटी। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है अवेलेबिलिटी को नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, मैग्नीज, जिंक, आयरन एंड कॉपर। इन सारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्ट करे और कुछ को इनडायरेक्टली। एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया फर्टिलाइजर्स, सल्फर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स इज कंसीडर्ड एज इफेक्टिव टू रिड्यूस द पीएच। देखो, कैल्केरियस सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसका पीएच लेवल ज्यादा होता है। तो पीएच लेवल को कम करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एसिडिक पंप, एसिडिक नेचर के मटेरियल ऐड करने पड़ेंगे। ये कौन कौन से होते हैं? अमोनियम सल्फेट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एसिडिक होता है। यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसको ऐड कर सकते हैं। सल्फर कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, इन सभी को अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसका सॉयल का पीएच जो है वो कम हो जाए, न्यूट्रल करने के लिए पीएच को। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसिडिक एंड कैल्केरियस सॉयल। आज जो हमने ये डिस्क